please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. और आपको हम सीधा लिए चलते हैं मणिपुर की राजधानी इम्फाल, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 105वीं इंडिया साइंस कांग्रेस का उद्घाटन किया। ब्रेक थ्रूज इन डेवलपिंग डायग्नोस्टिक किट्स फॉर रेयर जेनेटिक डिजीज एंड हाई वैल्यू एरोमेटिक एंड मेडिसिनल प्लांट्स यूज बाय फार्मर्स टू इंक्रीज देयर इनकम. वी आर मेकिंग concentrated efforts to achieve complete elimination of TB from India. A few days ago, at the end-TB summit in New Delhi, we demonstrated our commitment to eliminate TB from India by 2025. 5 years ahead of the WHO target of 2030. Our space research program had the capacity to successfully place over 100 satellites in space in one go. This has been made possible through the hard work and dedication of Indian scientists. After the success of Chandrayaan 1, we plan to launch Chandrayaan 2 in the coming months. This fully indigenous effort will include landing and travel on the surface of the moon by a rover. The greatest scientist of the last century, Albert Einstein, had given the theory about gravitational waves. It is a matter of immense pride for all of us that 37 Indian scientists from 9 Indian institutions participated in the International Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, LIGO. की राजनीति में केजरीवाल फंस गए हैं. केजरीवाल की माफी पर आम आदमी पार्टी में घमासान क्यों मचा है? आम आदमी पार्टी में मचे घमासान में से केजरीवाल कैसे निपटेंगे और क्या केजरीवाल अपने आरोपों पर अब दूसरे नेताओं से भी माफी मांगेंगे? मुद्दा गर्म है. सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अकाली दल के नेता विक्रमजीत सिंह मजीठिया से अपने आरोपों पर माफी मांगी है और इससे नाराज होकर आम आदमी पार्टी के सांसद और पंजाब यूनिट के अध्यक्ष भगवंत मान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल ने विक्रमजीत सिंह मजीठिया और उनके परिवार पर ड्रग्स बेचने जैसे संगीन आरोप लगाए थे, लेकिन अचानक कल अरविंद केजरीवाल की तरफ से विक्रम मजीठिया को एक चिट्ठी लिखी गई. चिट्ठी में केजरीवाल ने अपने आरोप वापस लेते हुए मजीठिया और उनके परिवार से माफी मांग ली है. मोहित मल्होत्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं. मोहित, केजरीवाल ने तो माफी मांग ली, लेकिन पंजाब में जितने भी आम आदमी पार्टी के नेता हैं, चाहे ट्वीट्स चाहे बयानों के जरिए, वो नाराजगी जता रहे हैं. जी बिल्कुल, इसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी में अब जो विद्रोह है वो खुलकर सामने आ चुका है और तमाम जो पंजाब के आम आदमी पार्टी के विधायक हैं वो इस वक्त पंजाब विधानसभा के अंदर एक बैठक कर रहे हैं और उसके अंदर वो रणनीति तय करेंगे कि उनको आगे क्या करना है. लेकिन ये साफ है कि ये अब विद्रोह की शुरुआत हो चुकी है. भगवंत मान जो कि प्रधान है पंजाब में आम आदमी पार्टी के, वो अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं. अपने अपनी फेसबुक वॉल पर उन्होंने लिखा कि मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं और ड्रग्स माफिया के खिलाफ बतौर आम आदमी वो अपनी लड़ाई जारी रखेंगे. यानी बतौर आम आदमी पार्टी नेता वो ड्रग्स की लड़ाई की बात नहीं कर रहे, बल्कि बतौर आम आदमी वो ड्रग्स माफिया के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे, ये बात उन्होंने कही है. भगवंत मान फिलहाल दिल्ली में जो लोकसभा का सत्र है उसके लिए मौजूद हैं और उसके बाद अब सुखपाल खैरा ने भी दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया है, जिसके अंदर वो तमाम जो विधायक हैं पंजाब के और जो सहयोगी पार्टी है, मैं आपको बताना चाहूंगा पंजाब में आम आदमी पार्टी की लोक इंसाफ पार्टी, वो भी किसी भी तरह से साथ में नहीं है. तो अब ये खुलकर जो विद्रोह है वो सामने आ चुका है. सुखपाल खैरा, कंवर संधू, अमन अरोड़ा, सभी लोगों ने इसको लेकर विरोध जताया है. जी जी मोहित.
मोहित मेरी आवाज आप तक आ रही है? चलिए हम आपको बता देते हैं, मोहित के पास चलेंगे। नाराजगी है एक तरीके से पूरी जो पंजाब बैंक है तमाम विधायकों में, तमाम कार्यकर्ताओं में। ये कहा जा रहा है, खुद सुखपाल खैरा ने ट्वीट करके बात कही है कि हमें बताया नहीं गया, हमें इस बात के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी और उन्होंने इस तरीके से माफी मांग ली। इसको लेकर उन्होंने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल की माफी मांगने से हम पूरी तरह से स्तब्ध हैं, हमें इस बात को स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है कि इस मामले पर हमसे कोई चर्चा नहीं की गई। बड़ी बात कि अरविंद केजरीवाल ने चर्चा नहीं की अपनी पंजाब इकाई से और बिना उनके साथ चर्चा किए ये उन्होंने माफीनामा भेज दिया। कुमार विश्वास कड़े शब्दों में विरोध कर रहे हैं। भगवंत मान ने इस्तीफा दे दिया है पंजाब प्रेसिडेंट पद से और उन्होंने कहा है कि लड़ाई एक आम आदमी के तौर पर ड्रग्स के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी। मोहित, हलचल यकीनन काफी ज्यादा है, क्या चर्चा नहीं की गई थी पंजाब यूनिट से? देखिए, पंजाब के जितने भी नेता हैं उनका ये कहना है कि उनसे किसी भी तरह की राय नहीं ली गई और ये एक ऐसा मुद्दा था जिसको लेकर आम आदमी पार्टी विधानसभा में उतरी थी कि ड्रग्स माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और विक्रम सिंह मजीठिया को ड्रग जो तस्कर हैं उनके साथ उनकी मिलीभगत बताने के कई प्रूफ भी दिए गए थे और अरविंद केजरीवाल ने भी खुले मंच से कई बार चुनौती दी थी कि अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो 24 घंटे के अंदर विक्रम सिंह मजीठिया को जेल में डाल दिया जाएगा, उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत है। लेकिन अब जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने यू टर्न ले लिया, एकदम से माफीनामा लिख दिया और वो भी बिना पंजाब के नेताओं को बताए, तो यही बात पंजाब के नेताओं के गले नहीं उतर रही है। बिल्कुल, और हर रैली में जहां जहां भी अरविंद केजरीवाल या फिर भगवंत मान, क्योंकि चेहरा एक तरीके से भगवंत मान ही बनाए गए थे, जहां जहां भी वो जाते थे पहली लाइन और बार बार इस बात पर जोर दिया जाता था, ड्रग सबसे बड़ा मुद्दा बनाया गया था अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी की तरफ से। और केजरीवाल ने मजीठिया को दिए माफीनामे में क्या लिखा है वो भी आपको बताते हैं। पिछले दिनों मैंने आपके खिलाफ कुछ बयान दिए और आरोप लगाया कि आप ड्रग्स के व्यापार में लिप्त हैं। ये बयान राजनीतिक मुद्दा बन गए। अब मुझे पता चला है कि आरोप निराधार है, इसलिए ऐसे मुद्दों पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैंने जनसभाओं, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया पर आप पर जो आरोप लगाए थे उसको लेकर आपने मुझ पर अमृतसर की अदालत में मानहानि का मुकदमा दायर किया है। मैं आपके खिलाफ लगाए सभी आरोपों और बयानों को वापस लेता हूं और इसके लिए क्षमा मांगता हूं। मेरे आरोपों की वजह से आपके परिवार, दोस्तों और समर्थकों की भावनाओं को जो भी ठेस पहुंची है उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं। अरविंद केजरीवाल साहब ने आज लिखती तौर में जो माफी मांगी है और जो एलिगेशन लगाए थे उसको वापस लिया है। मैं उनको भी कहूंगा कि बड़ापन है कि उन्होंने अपनी गलती का एहसास किया और उस गलती को करेक्ट करने के लिए जो पश्चाताप थी, जो चिट्ठी देने की जरूरत थी, जो माफी मांगने की जरूरत थी, उस माफी मांगी। और आइए अब आपको सुनवाते हैं केजरीवाल का 29 दिसंबर 2016 का दिया हुआ वो बयान जिसमें उन्होंने मजीठिया पर ड्रग्स के धंधे से जुड़े होने का आरोप लगाया था। हम सब लोग जानते हैं कि किस तरह से विक्रमजीत सिंह मजीठिया ने पूरे पंजाब को नशे में डुबो दिया पिछले 10 साल में। और अकाली दल के नेता विक्रमजीत सिंह मजीठिया से लिखित माफी मांगने पर पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेता सुखपाल खैरा ने नाराजगी जताई है। सुखपाल खैरा ने ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा, अरविंद केजरीवाल के इस तरह से माफी मांगने से हम हैरान हैं और स्तब्ध हैं। हमें ये कहने में कोई झिझक नहीं है कि इतने बड़े स्तर के नेता के इस तरीके से आत्मसमर्पण करने से पहले हमसे कोई भी बात नहीं की गई। और पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायक कमर संधू ने भी ट्वीट में लिखा है कि मानहानि के मामले में विक्रम मजीठिया से इस तरह से माफी मांगकर अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के लोगों और खासतौर पर युवकों का सर झुका दिया है। माफीनामे से पहले हमें विश्वास में नहीं लिया गया और पंजाब में नशे के खिलाफ हमारी जंग जारी रहेगी। और वहीं दूसरी तरफ कुमार विश्वास ने अरविंद केजरीवाल पर हमला करते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि एकता बांटने में माहिर हैं, खुद की जड़ काटने में माहिर हैं, हम क्या उस शख्स पर थूके जो खुद थूक कर चाटने में माहिर है। और अलका लांबा ने केजरीवाल का बचाव करते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, एक की माफी दूसरे के निर्दोष होने का सबूत नहीं हो सकती। माफी मांगने वाला न तो छोटा होता है और ना ही सामने वाला बेगुनाह साबित होता है। और केजरीवाल की मजीठिया की माफी मांगने पर कांग्रेस नेता अजय माकन ने ट्वीट किया है, केजरीवाल ने मजीठिया से माफी मांग उसकी मदद क्यों की, ऐसे समय जब एसटीएफ पंजाब मजीठिया के गले में फंदा कस रहा है तो ये माफी क्यों।
करते रहे और खुद झूठ बोलते रहे और सच की बात करते रहे। लोगों ने के भावनाओं से खिलवाड़ किया है और सबसे पहले देश की जनता से, दिल्ली की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। केजरीवाल जी को अपने पार्टी के लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए जो सब बिल में घुस गए हैं। कोई केजरीवाल के साथ आज खड़ा नहीं हुआ, एक भी व्यक्ति ने अभी तक केजरीवाल की पार्टी के एक भी सांसद ने, विधायक ने, पार्षद ने, समर्थकों ने, ट्विटर पर भी देखिए आप, सोशल मीडिया में भी कोई सपोर्ट में नहीं आया है। आज केजरीवाल जी बिल्कुल अकेले खड़े क्योंकि उन्होंने अपने लोगों को भी गुमराह किया है। चंदन जजवाड़े हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंदन, इसको लेकर घमासान शुरू हो गया है, भगवंत मान इस्तीफा दे चुके हैं, आम आदमी पार्टी की पंजाब इकाई पूरी तरह से नाराज है। बिल्कुल, देखिए अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से माफी मांगने के लिए चिट्ठी लिखी उससे जाहिर तौर पर पूरी आम आदमी पार्टी के पंजाब यूनिट पूरी तरह से जो है इस मामले को लेकर हैरत में है कि आखिर मजीठिया पर इस तरह के गंभीर आरोप लगाए थे, वो आरोप क्यों वापस लिए। आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार की तरफ से यह कहा गया है कि बार बार कोर्ट के चक्कर और कोर्ट के मैटर में उलझने की वजह से सीएम का समय खराब हो रहा था, कामकाज प्रभावित हो रहा था। लेकिन इसमें जो हमारे सूत्र हैं वो साफ बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल डिफेंसिव हो चुके हैं क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं है मजीठिया पर आरोप सिद्ध करने के लिए। पंजाब पुलिस की जहां तक बात है तो स्थानीय पुलिस भी एक तरह से क्लीन चिट देने की तरफ बढ़ रही है मजीठिया को। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के पास कोई तरीका नहीं है कि वो अपने आरोपों को सिद्ध करें और इस तरह के कई मानहानि के केसेस में वो फंसे हुए हैं जिस पर करोड़ों रुपए का जो है खजाना देना पड़ सकता है अरविंद केजरीवाल को। साथ ही साथ उनका डिफेमेशन होगा अगर वो हारते हैं केस को, इसलिए उन्होंने अपनी भलाई में माफी की है क्योंकि आगे कहीं उनका कन्विक्शन हो जाए इस तरह के आरोप लगाने की वजह से तो उनकी राजनीति भी खराब हो सकती है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इसका संदेश क्या गया। पंजाब इकाई नाराज है, उनके अपने सांसद नाराज हैं और अंदर खाते कोई भी इसको एक्सेप्ट कर नहीं रहा है, तो घमासान एक बार शुरू हो गया है आम आदमी पार्टी में अंदर खाते। चंदन, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आम आदमी पार्टी में घमासान हो गया है। पार्टी के जो नाराज नेता है कुमार विश्वास, उन्होंने तो एक तरह से इसे चाटने वाली हरकत कही, दूसरी तरफ विरोधी दल भी घेर रहे हैं क्योंकि इस मैटर पे माफी मांगने का मतलब है कि अरविंद केजरीवाल ने आज तक जितने राजनीतिक आरोप लगाए हैं सब में कहीं ना कहीं वो अब कमजोर पड़ गए क्योंकि अब हर जगह यही रेफरेंस दिया जाएगा कि अरविंद केजरीवाल आरोप लगाकर माफी मांग लेते हैं। हमने देखा गडकरी के मैटर पे यही हुआ, अरुण जेटली का मैटर फिलहाल अरविंद केजरीवाल के गले की हड्डी बना हुआ क्योंकि करोड़ों रुपए की मानहानि का वो केस है और अरविंद केजरीवाल के पुराने वकील छोड़ के जा चुके हैं राम जेठमलानी। ऐसे में वो अपने आप को पूरी तरह से घिरा हुआ देख रहे हैं और एक तरह से अपने लिए रास्ता खोला कि कहीं अगर अरुण जेटली भी उन्हें माफ कर देते हैं तो एक बड़ी सरदर्दी उनके सर से दूर होगी। इसका दूसरा खामियाजा ये होगा कि अरविंद केजरीवाल की इज्जत, उनकी साख पर जी लगने वाला है। आपको चंदन रोक रहे हो, विजेंद्र गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजेंद्र जी, क्या डर गए अरविंद केजरीवाल? जी डर ही नहीं गए, झूठ की बिसात पर राजनीति करने वाले लोगों का यही असर होता है। लोगों को गुमराह किया है, जनता की भावनाओं से खिलवाड़ किया है, देश की जनता से, दिल्ली की जनता से माफी मांगे। आज इनकी पार्टी का कोई सांसद विधायक इनके साथ नहीं खड़ा है, अकेले पड़ गए हैं क्योंकि उन्होंने हर एक को गुमराह किया, झूठ बोला और ये बहुत बड़ा इन्होंने अपराध किया है। मैं कहूंगा ये झूठ की बिसात पर राजनीति करने वाले लोगों का यही असर होता है। पर उनकी पार्टी की तरफ से अलकनबा खासतौर पर वो तो ये कह रहे हैं कि माफी मांगने से किसी का गुनाह कम नहीं हो जाता, वो ये भी बात साथ ही साथ कह रहे हैं। देखिए ऐसा है कि सवाल ये है कि आपने तो जनता के बीच में जाओ, रिजाइन करो क्योंकि आपने इसी बिसात पे तो सरकार में आए थे आप। जी जी, जनता के बीच में जाइए, माफी एक कागज के टुकड़े से जो आपने इतना बड़ा लोगों का ट्रस्ट दिया। जी शुक्रिया विजेंद्र जी हमसे बात करने के लिए।